बहुत दिनों बाद सूरज उगने से पहले ही हम लोग जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाली है। तो कोई एग्जाम नहीं देने देंगे। सुबह हमारे साथ धोखा हो गया है। हमारा कॉलेज है यहाँ पे। गाइस स्कूटर इज हियर। चप्पल पहन लिए सॉक्स के साथ। इसका रीज़न यह है कि मैं मेरे शूज जिम में ही रखता हूँ। लेट नहीं करते हैं, 6:45 हो चुके हैं, अब जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये वाला 8 बजे तक रिटर्न आ जाएंगे, फिर आके नहाना धोना है, फिर असाइनमेंट के कुछ पेजेस बाकी है वो लिखने हैं, लिखने के बाद फिर कॉलेज जाएंगे थोड़ा जल्दी, ताकि आप लोग को थोड़ा कॉलेज और दिखा सकूँ मैं। चलिए जिम जाते हैं। आज पहली बार मतलब बहुत दिनों बाद सूरज उगने से पहले ही हम लोग जिम जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाली है आज। ओके लेट्स गो। ठंडी आज कम है रोज के कंपेयर में। मोटो व्लॉगिंग का लुफ्त उठाइए आप लोग। तो रॉन्ग साइड जाना पड़ता है क्योंकि जिम मेरा हो रहा सामने ही है। रॉन्ग साइड जाते हैं और स्कूल सुबह इतनी चालू हो जाती है तो ये सब बस खड़ी रहते हैं ना यहाँ पे यार, तो बहुत दिक्कत होती है। बट कोई नहीं, गलती भी हमारे, हम रॉन्ग साइड को जा रहे हैं। इतनी बड़ी गाड़ी लेके बच्चा क्यों रॉन्ग साइड जा रहे हैं यार। हम भी फोरवर्ड के पीछे पीछे निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं, प्लीज रिपीट ना कीजिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये अंडर वेरी हाय हाय स्टंट प्रोफेशनल्स के बीच में हुआ है ये। क्या बोला तूने? या सो फाइनली रीच द जिम और बहुत जल्दी जिम है क्योंकि मेरे घर के सामने ही जिम है यार। मैं स्कूटी लेके इसलिए आता हूँ कि कुछ काम हो जाए, कुछ लेट हो जाए, जल्दी हो जाए तो क्या हम पहुँच सके टाइम पे। सो लेट्स गो। मौसम देखिए बाहर का, इतना सारा ट्रैफिक सुबह सुबह और ये कुछ मौसम है। अपना जिम वहाँ ऊपर है, यहाँ पे लिफ्ट है, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे। लिफ्ट 3rd फ्लोर पे है। बाकी बहुत सही सीन्स हो रहे हैं, इतना मस्त मौसम लग रहा है, ठंडा ठंडा मजा आ रही है। और सामने वाला कॉम्प्लेक्स तो देखिए क्या मस्त लाइट दे रहा है। वहाँ पे ऊपर भी जिम है। खुल जा सिम सिम। ओह शिट, इधर तो ला चलो 3rd फ्लोर पे, लाइट ही नहीं है यार इसमें तो। बट यहाँ से भी धुंधला है, छोड़ो ऊपर जिम में जाते। जिम, गुड मॉर्निंग भगवान जी। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah I'm all about keeping you and I. When you're here you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to just machine time. No, kitna hi marenge aaj. Light mare ki bahut din baad aaye hum log. तो गाइस फाइनली द वर्कआउट इज ओवर, और इतना ज़्यादा नहीं किया, अराउंड 1 घंटे का वर्कआउट था क्योंकि हम इसी टाइम पे आए थे और 1 घंटे उस टाइम पे निकल रहे हैं। तो कल से थोड़ा जल्दी आने की ट्राई करेंगे क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स भी जल्दी आते हैं तो उनके साथ मैसेज हो जाएगा। और जिम एक अकेला करने में इतना मज़ा नहीं है जितना 2 या 3 लोगों के साथ मज़ा आती है, मेरा थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी 8 बज गए, चलते हैं। और मैं जब आया था कहाँ जा रहा है भाई, तब आपने मौसम देखा था और अब आप मौसम देखिए। ओके मस्त धूप निकल चुकी है और ये रही अपनी गाड़ी, ये रहे हम। तो अभी चलते हैं, पहले जैकेट को अंदर रखना है। तो एक्सेस का बूट स्पेस मतलब
इसलिए तो एक्सेस खरीदिया भाई। इसकी सर्विसिंग भी करानी है यार, गाड़ी का इतना काम रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता। इसको हो ये बिल्डिंग देखिए, इधर हम फोटो वोटो खिंचाने आएंगे यार, बट अभी क्या है कॉलेज जिम ये ब्लॉग चलते चलते में टाइम ही नहीं मिलता है, बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट। बस देखिए इतनी सी ड्राइव थी मेरे घर से जिम तक की। रीच्ड होम। ओके इतनी बंदी नहीं हुई थी। A few moments later. तो गाइस चलिए पेंडिंग असाइनमेंट भी लिख लिया जाए। ये कल रात को इतना लिखा था, मतलब अराउंड एक घंटे शायद, अराउंड एक घंटे के अंदर इतना सब लिख डाला था ढूंढ ढाड़ के। तो चलिए इसमें से एक पेज तो हो गया, अभी दूसरा पेज लिखेंगे। कंप्यूटर का असाइनमेंट है यार, थोड़ा गूगल बाबा के भी सहारा लेंगे और एक बुक है रेफरेंस मेरे पास, वो इसमें इतना डेटा नहीं है यार, इसमें सिर्फ टू द पॉइंट लिखा है, बट इसमें थोड़ा ब्रीफली लिखा है और मैडम ने हमको ब्रीफली ही बोला है। लेट्स कंप्लीट दिस फटाफट क्योंकि 10:30 बजे जाना है, अभी टाइम हो रहा है 7:50, तो कॉलेज 10 बजे जाना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज 9:30 बजे जाना है, तो मैं 9 बजे चलते हैं आज, थोड़ा कॉलेज एक्सप्लोर करते हैं, कैंटीन वेंटीन दिखाते हैं आपको और हमको पार्किंग मिल जाए ना, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ मैं तो यार, इतना दूर पार्क करके आना पड़ता है। कॉलेज आ गए हैं, ये रहा सचिन, ये रहा हमारा एक और फ्रेंड, ये हमारा स्कूल का ही फ्रेंड है। तो हम लोग आए थे प्रिंट कराने के लिए हमारी फी रिसिप्ट, क्योंकि कॉलेज में से मंगाई है ये तो हम लोग को एग्जाम नहीं देने देंगे, तो फी रिसिप्ट हमें प्रिंट करा लिया, जा रहे हैं कॉलेज। 10:30 बजे का कॉलेज है और अभी 10:20 हो चुकी है। सुबह हमारे साथ धोखा हो गया है बहुत ही खतरनाक वाला, हमारे जो यहाँ के सीनियर है एक जन, उन्होंने हमको बुला लिया सुबह और फिर ध्यान ही नहीं दिया कुछ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये लोग, छोड़ो अभी। और कॉलेज आपको दिखाता हूँ बाहर क्या सीन है, यहाँ पे डायरेक्ट रोड है चालू और ये हमारा कॉलेज है यहाँ पे ऐसा कुछ। तो चलिए क्लास में चलते हैं और कुछ शूट हो पाए तो शूट करते हैं। गाइस अपने उसी वाले रूट पे हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि ये वाला सबसे फेवरेट रूट है मेरा, और जो आपको बता रहा था ना कॉलेज में हो रहा है पेंटिंग वेंटिंग चल रही थोड़ी बहुत, और वो फायर सेफ्टी वाला काम चल रहा, जो ये रेड वाली पाइप्स है ना ये फायर सेफ्टी वाला चल रहा था, मुझे उस दिन मालूम पड़ा, ब्लॉग में बता नहीं पाया। और बाकी कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा भी है, हम कुछ कर भी नहीं सकते जैसा हम स्कूल में करते थे वैसा। बॉय set me caught up in you since the night on the-